अगर आप कर रहे हैं NISC, DLED, CTET, UPTET या किसी टेट एग्जाम की तैयारी, तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और जितने भी हमारे कंसेप्चुअल डिस्कशन, शॉर्ट नोट्स और MCQs अवेलेबल हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस देख सकें और नोटिफिकेशन भी पा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों, काफ़ी आप लोगों के प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं जो शिक्षक यहाँ पर DLED कर रहे हैं उनके उनके तरफ से कि ये जो हमारा 509 510 का कोर्स है, मतलब जो सामाजिक अध्ययन और जो यहाँ पर विज्ञान का कोर्स है, ये आखिर कहाँ पर काम आएगा, ये क्यों अलग अलग है, क्यों दो तरीके से यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर में बांट दिया गया है। और भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि क्या ये जो DLED कर रहे हैं ये वो तो 1-5 के लिए है, क्या ये 6-8 में भी काम आ रहा है, क्या है नहीं है, पूरा यहाँ पर चिट्ठा हम खोल के आपके सामने रखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ एनालिसिस की है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं DLED की वेबसाइट पर। DLED की जो NIS की वेबसाइट है उसके यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत जब आप जाएंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग भी इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि क्या एक शिक्षक जिसके पास BEd डिग्री है और वह एलिमेंट्री स्तर 6-8 में अध्यापन कर रहा है, तो क्या उसके लिए DLED कोर्स अनिवार्य है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके आंसर में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद हम आगे भी चलेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको अच्छे से समझिएगा। ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 1-5 तक में अध्यापन कर रहे हैं, उनको 50% अंकों के साथ 12वीं की जरूरत है और DLED भी होना अनिवार्य है। तो अगर आप वर्ग 1-5 पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं तो आपको 12th 50% से पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपको DLED होना चाहिए। दूसरा यहां पर लिखा है, ऐसे शिक्षक जो कि ऊपरी एलिमेंट्री स्तर यानी कि 6-8 कक्षा तक में अध्यापन कर रहे हैं, उनको DLED के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर आप 1-5 में पढ़ा रहे हैं तो आपको 12th के साथ आप DLED होना चाहिए, अगर आप 6-8 में पढ़ा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ DLED होना चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ BEd होना चाहिए। तो 6-8 में आप दो केस में पढ़ा पाएंगे, ग्रेजुएशन के साथ DLED या ग्रेजुएशन के साथ BEd। तीसरा देखिए, जो शिक्षक BEd में के साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर में पढ़ाना चाहते हैं, उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप BEd किए हुए हैं और प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से बाधित उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट दी गई है कक्षा 12वीं में, मतलब अगर आपका 50% में है तो आपका 45% में ही हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इस कैटेगरी से आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन समझने वाला चीज है कि अगर आप ग्रेजुएशन है और आप अभी DLED कर रहे हैं तो आप 6-8 में भी पढ़ा सकते हैं, यहीं पर आपका 509-510 पिक्चर में आता है। 509-510 कोर्स जो है वो आपके वर्ग 1-5 तक पढ़ाने के लिए नहीं है। अभी तक जो आपका 508 तक का कोर्स है वो आपका वर्ग 1-5 तक के लिए भी है, आगे के लिए भी है, ठीक है। लेकिन जो 9 और 10 है वो सिर्फ और सिर्फ उच्च एलिमेंट्री स्तर, ऊपरी एलिमेंट्री स्तर के लिए है, वो प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है। वो जो आपका सामाजिक अध्ययन और विज्ञान है वो अगर आप 6-8 में पढ़ाते हैं उसके लिए है। तो चूंकि DLED हो रहा है तो DLED तो पूरा कोर्स होगा, उसमें तो ऐसा तो नहीं है क्या कि DLED 1-5 के लिए अलग होगा, DLED 6-8 के लिए अलग होगा, वो तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए BTech कोर्स होता है, MTech कोर्स होता है, MA होता है, वो तो MA होगा, उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना है जाइए, लेकिन उसका जो पूरा परफॉर्मा है वो तो पूरा परफॉर्मा होगा। इसलिए आपको पूरा DLED यहाँ पर पूरा परफॉर्मा कराया जा रहा है जिसमें सामाजिक अध्ययन भी शामिल है और विज्ञान भी शामिल है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया NIS के तरफ से कि आप 509-510 में से एक चूज कर सकते हैं, मतलब कि विज्ञान और समाज अध्ययन में से एक चूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका DLED कंप्लीट हो जाए और DLED में आपका कोई एक सब्जेक्ट आपका 509 या 510 जिस भी फील्ड से आप हैं वो रह जाए। हालांकि इसके आगे आपको सिर्फ DLED चाहिए, आप किस सब्जेक्ट से हैं इसकी कहीं पर नहीं है, आपको बस एक ऑप्शन दिया गया आपके इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 6-8 में अगर आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो सामाजिक अध्ययन तो आपका उतना ये नहीं रहेगा, तो आप विज्ञान से कर लीजिए, ये आपको एक प्रिफरेंस दिया गया। तो अगर आप सामाजिक अध्ययन से भी कर लेते हैं और विज्ञान आप बाद में करते हैं तो वो आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करता है,
ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम चलते हैं कि ये जो आपका ये पूरा परफॉर्मा है ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। तो आपको पता चलेगा कि 6 to 8 में आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ कर सकते हैं। सीटेट का भी एलिजिबिलिटी निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सीटेट की एलिजिबिलिटी, जहां पर कि हम 6 to 8 में अगर चलते हैं तो वहां पर पहला ही है कि ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप अगर स्नातक हैं, ग्रेजुएशन है और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप किए हुए हैं तो आप 6 to 8 में बैठ सकते हैं। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया और इसी के लिए आपका 509 510 है भी। ठीक है, अब यहां पर आप देख लीजिए, ये है पेपर 2 का सिलेबस। तो पेपर 1 का सिलेबस जब आप देखिएगा, मतलब कि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए सिलेबस देखिएगा, वहां पर कहीं पर चर्चा ही नहीं है कि आप मैथ से हैं या सोशल स्टडीज से हैं, वहां पे नॉर्मल है। तो 509 510 उसके लिए है ही नहीं। तो नॉर्मल डीएलएड अगर जो आपका हो रहा है 1 to 5 में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्स तो आपको पूरा करना है। वो कहां पर पिक्चर में आता है? वो आता है पेपर 2 में पिक्चर में। अगर आप 509 लेते हैं तो आपका सोशल स्टडीज होता है, अगर आप 510 लेते हैं तो आपका मैथ होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वो आपके ग्रेजुएशन पे डिपेंड करता है कि आप सोशल स्टडीज लेंगे कि साइंस लेंगे, आपके डीएलएड पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप मान लीजिए 509 लेके ही, जैसे कि 509 है आपका सोशल स्टडीज का, 509 लेके ही अगर आप साइंस के हैं तो आप कर सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन के हिसाब से वो देखा जाएगा, लेकिन आपको एक ऑप्शन दिया गया। तो अब जो यहां पर आप देखिएगा, मान लीजिए पेपर 2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर आप मैथ साइंस टीचर हैं तो आप ये 4 वाला लीजिएगा, अगर आप सोशल स्टडीज के टीचर बनना चाहते हैं तो आप ये 5 वाला लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही आपको लेना है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी डीएलएड आप कर लीजिए, डीएलएड आप जो भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा है कि कहाँ पर बेसिकली 509 510 काम में आएगा और क्या आपको जरूरी है, किस प्रकार से आपको करना है। तो ये 1 to 5 के लिए नहीं है, ये 6 to 8 के लिए है और सारी बातें हमने कोशिश की यहाँ पर आपको बताने की। तो दोस्तों धन्यवाद, हम उम्मीद है कि आपके जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन होंगे वो यहाँ पर दूर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट हो तो वीडियो में जरूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, दीजिए तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।